हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सादा सूट सिलना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी ली है, इसको हमने प्रेस से चिपका लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में इस तरह से कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से सादा सूट को सिला है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने साइड में फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक भी सेंटर पर हमें कट लगाना है और एक निशान भी लगा देंगे बिल्कुल बीच सेंटर पर। तो देखिए, इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है और इसमें भी हमें बीच सेंटर पर निशान लगाना है। इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले की पट्टी लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। दोनों कट को मिला के रखना है, ठीक है। और फिर गुलाई में सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और इस तरह से हमें कट लगा देना है। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम यहाँ पर इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने गले को सिल लिया है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे पर लगा लेंगे। तो हमारा देखिए गला सिलकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, शोल्डर सिलेंगे। और देखिए, पीछे की तरफ हमने चौकोर गला बनाया है, सेम इसी तरीके से जैसे हमने आगे वाले गले को बनाया है उसी तरीके से, ठीक है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे। तो दोनों शोल्डर को देखिए इस तरह से मिलाना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो हमने देखिए इस तरह से शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने एक तरफ से देखिए साइड की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी साइड की फिटिंग करेंगे।
पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखें। तो इस तरह से देखिए हमने दूसरी तरफ भी साइड की फिटिंग कर ली है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारा कट लगा है उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पल्ले में हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर साइड में चाक सिलेंगे। तो कपड़े को देखिए इस तरह से हमें दो बार फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो आपको यहाँ पर छोटी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चाक को सिलेंगे फोल्ड करके। तो हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और नीचे से भी हमने सिलाई को लगा लिया है और इस साइड में भी हमने चाक को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो बाजू को हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेनी है। तो हमने नीचे से फोल्ड करके बाजू को भी सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सूट को लिया है, सूट को हम इस तरह से रखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे।
तो हमने देखी बाजू को सिल लिया है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 12 इंच है, तो 12 को आधा करेंगे, तो 6 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इसमें हमें पीछे की तरफ डोरी भी लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से जो हमारा सादा सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए पीछे की तरफ हमने डोरी भी लगा ली है और पीछे की साइड का हमारा जो गला है वो चौकोर हमने रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं विनती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और दोस्तों इसी सूट के लिए हमने डिजाइनर सलवार भी बनाई है, तो इस सलवार को किस तरह से बनाते हैं तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।